करनी है, तो मेहनत कर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकन और आप देख रहे हैं देश का सर्वाधिक देखे जाने वाला कार्यक्रम, देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। जनता जनार्दन का अभिनंदन है, देश के युवाओं का अभिनंदन है। और आज आर पार में देश का युवा सवाल पूछेगा देश के नेताओं से, अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक, भारत से लेकर इजराइल तक, पूरी दुनिया आतंकवाद की चपेट में है। इसलिए आज मैं एक बड़ा गंभीर मुद्दा उठा रहा हूं और हो सकता है कि यह मुद्दा कुछ लोगों को चुभ जाए और चुभना भी चाहिए, क्योंकि तो आतंकवाद को लेकर पूरा का पूरा भारत एक जैसी सोच दिखा रहा है क्या? यह सवाल है और यह सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि तो हमारे ही देश में बैठे कुछ लोगों को हमास के हैवान हीरो और फ्रीडम फाइटर की तरह क्यों दिख रहे हैं? भारत में बैठे कुछ इन खूंखार आतंकियों के लिए कसीदे क्यों पढ़ रहे हैं? और सिर्फ वर्तमान का ही नहीं, आज हम इतिहास में भी झांकेंगे, क्योंकि इस देश में बुरहान वानी जैसे आतंकी के जनाजे में भीड़ जुटती है, उसे एक मास्टर का मासूम बेटा बताने की कोशिश होती है। इतना ही नहीं, याद कीजिए लोकतंत्र के मंदिर यानी भारतीय संसद पर हमला करने वाले आतंकी अफजल गुरु के नारे लगे और कहा गया, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। इसी देश, इसी दिल्ली में यह हुआ, इसी देश में आतंकियों के लिए आंसू बहाए गए। याद है ना आपको वो नेत्री कौन थी? और पुलिस के एक्शन पर सवाल भी उठा। दूसरी तरफ इजराइल का एग्जाम्पल है, जहां सरकार, विपक्ष, नेता, जनता आतंकवाद के खिलाफ सिर्फ एक सोच रखते हैं, सिर्फ एक आवाज रखते हैं और एक मंच पे खड़े होते हैं आतंकवाद के खिलाफ। तो सवाल है कि क्या पूरी दुनिया को इजराइल से सबक लेने की आवश्यकता है? भारत को भी इजराइल से सीखना चाहिए, क्योंकि पीएम मोदी ने भी खुल के कहा है कि पूरी दुनिया आतंकवाद से जूझ रही है, लेकिन आतंकवाद पर पूरी दुनिया में आम सहमति नहीं है। तो आज इसी मुद्दे पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। क्या वाकई जो आतंक का खेल है उसमें दो माइंडसेट है? क्योंकि गुड और बैड टेररिज्म की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। इजराइल सबूत है, राष्ट्रवाद से ही देश मजबूत है। आज जनता जनार्दन के बीच इसी विषय पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। आपने अक्सर सुना और देखा होगा कि जहां जंग होती है वहां से लोग जान बचाकर भाग खड़े हैं। लेकिन जरा इजराइल के लोगों का अखंड राष्ट्रवाद देखिए। अलग अलग देशों में बैठे इजरायली दुश्मन से जंग लड़ने के लिए अपने वतन लौट रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ पूरा इजराइल एकजुट है, एक मत है। लेकिन जरा भारत के कुछ नेताओं और मौलानाओं का हाल देखिए। नरेंद्र मोदी भी जालिम है और इजराइल भी जालिम है, तो जालिम को जालिम के साथ जाना चाहिए। हमास आतंकवादी कैसे हो गया? क्या फलस्तीन का साथ देना कोई जुर्म है? हमें अफसोस होता है इस बात पर कि देश प्रजातंत्र से बहुत दूर जा रहा है। दुनिया जो है वो जब इसराइल जुल्म करता है, फलस्तीन को कत्ल करता है, तो वो खामोश रहते हैं। गाजा की जो स्ट्रिप है, आपने तो 16 साल से ब्लॉकेट करके रखा इसराइल ने, वहां पर 90 साल से फलस्तीनियों को दबाया जा रहा है। हमास को जब मीडिया आतंकवादी संगठन कहती है तो तकलीफ होती है। जिस तरीके से इंडिया में हमारे चंद्रशेखर आजाद हैं, भगत सिंह हैं, अंग्रेज उनको आतंकवादी कहते हैं, लेकिन हम लोग उनको फ्रीडम फाइटर कहते हैं, उनको सलाम करते हैं। हमास जो है वो आतंकवादी संगठन नहीं है, वो अपने जमीन के लिए लड़ा, वो एक फ्रीडम फाइटर है, तो उसे हम आतंकवादी नहीं कह सकते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी आतंकवाद पर एक बड़ा बयान दिया है। टेररिज्म की परिभाषा को लेकर आम सहमति ना बन पाड़ा, ये बहुत दुखद है। दुनिया के इसी रवैये का फायदा मानवता के दुश्मन उठा रहे हैं। लेकिन जिसे हक की लड़ाई कहा जा रहा था,
उसका असली मकसद भी खुलकर सामने आ गया है। 510 مليون كيلومتر مربع وهي مساحة الكرة الأرضية سوف تعيش حالة لا ظلم فيها ولا قهر فيها ولا خيانة। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हक की लड़ाई के नाम पर आतंकवाद का समर्थन किया जा सकता है। आज जनता के बीच इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो आज इसी विषय पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। इजराइल सबूत, राष्ट्रवाद से देश मजबूत, क्योंकि हमारे ही देश में बुरहान वानी का भी समर्थन होता है। हमारे ही देश में नारे लगते हैं, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। मेरे साथ आज कौन कौन है, पहले तो जनता जनार्दन है, जोरदार तालियां जनता जनार्दन के लिए। गौरव भाटिया, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट, के सिन्हा, मेजर जनरल रिटायर्ड, रक्षा विशेषज्ञ। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, लेफ्ट के आइडियोलॉग है, उनका अभिनंदन है। तस्लीम रहमानी है, जाने माने इस्लामिक स्कॉलर है, उनका अभिनंदन है। हाजिक खान है, जाने माने चिंतक है, उनका अभिनंदन है। तो जोरदार तालियों से सब मेहमानों का स्वागत करिए। और इस बात की शुरुआत करता हूं मैं विवेक श्रीवास्तव आपसे, 50 सेकंड आपके पास है, अपनी बात को रखिए। और मेरा निवेदन है कोई किसी के बीच में ना बोले। विवेक श्रीवास्तव 50 सेकंड आपके पास है। सवाल बड़ा सीधा है, क्या इसराइल से भारत को सीखना चाहिए कि राष्ट्रवाद क्या होता है, क्योंकि तो राष्ट्रवाद से देश मजबूत होता है। इसराइल से भारत को नहीं सीखना है, ना भारत को इसराइल से सीखना है। लॉन्ग लिव पैलेस्टीन, पैलेस्टीनियन लोगों के लिए लॉन्ग लिव हम कहेंगे, क्योंकि ये भारत की ऑफिशियल लाइन है 1931 से, जो महात्मा गांधी ने शुरू की थी और अटल बिहारी वाजपेयी तक चल करके आई। इसराइल ने 1948 से लेकर के आज तक जमीनों पे अतिक्रमण करा, पैलेस्टीन जो है एक ओपन प्रिजन के रूप में रह गया। आतंकवाद बुरा है, हम हमास के द्वारा की गई आतंकवाद का समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन 70 साल से जो इसराइल कर रहा है जी, ये भी हमें देखना होगा। राष्ट्रवाद का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, राष्ट्रवाद का मतलब राष्ट्र की सेवा। फैसिज्म राष्ट्रवाद नहीं होता है। हिटलर के राष्ट्रवाद को अगर भारत में लाएंगे, भारत तबाह होगा। फर्जी राष्ट्रवाद के बदले देशभक्ति लाइए, अपनी ड्यूटी करिए, जो काम आपको अलॉटेड है, जो नौकरी करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उसको ऑनेस्टी से करिए। जी जी जी, ये है वो राष्ट्रवाद। चलिए, आपने अपनी 52 सेकंड में बात कर समाप्त करी। गौरव भाटिया, अब आपके पास 50 सेकंड है। सवाल बहुत सीधा है, प्रधानमंत्री ने बोला आतंकवाद पर पूरी दुनिया में एक सोच होनी चाहिए, लेकिन तौकीर रजा ने बोला कि हमास तो आतंकी संगठन नहीं। और सिर्फ तौकीर रजा नहीं, हमने निरंतर बाइट्स दिखाई जिसमें कहा गया कि हमास आतंकी संगठन नहीं है, हमारे देश में हमास प्रेमी गैंग है एक पूरा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, राष्ट्रवाद के बारे में वो बता रहे हैं जो 1962 का जब भारत चीन युद्ध हुआ तो चीनी नूडल्स खा रहे थे हक्का, वो बताएंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है। पहले तो लेफ्ट को ये बताएं, सबसे पहले ये बताओ, तौकीर रजा की हैसियत है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे बोलेगा? बोला जालिम बुलाएगा, जिसको जालिम बुला रहा है। जहां आ रहा था ऑपरेशन अजय में 212 भारतीय जो युद्ध में फंसे हुए थे, उनको सुरक्षित भारत कोई लाया है तो वो नरेंद्र मोदी जी है। ये गर्व की बात है पहले तो। दूसरी बात जी, ये सारे खड़े हैं, इनसे एक सवाल पूछिएगा, हमास आतंकवादी संगठन है और भारत खड़ा है इंसानियत के साथ, निर्दोष लोगों के साथ, जिनको हमास महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहा है, लाश को उठा के गाड़ी पर रखता है, अल्लाह अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के सर काटे जा रहे हैं। और मैं यहां पूछता हूं, जो इस्लाम को मानने वाले हैं, हमारे भारत में भी 20 करोड़ मुसलमान हैं, वो बाहर निकल के क्यों नहीं आते कि उनके धर्म की आड़ में ये कसाई, ये दरिंदे महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं? सबसे बड़ा प्रदर्शन तो यह होना चाहिए कि मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरे अल्लाह का नारा लगा के तुम ये पाप नहीं कर सकते हो। लेकिन दुख की बात है, दुख की बात है, जो मुसलमान निकलता है बुरहान वानी को बच्चा बताने के लिए, अफजल गुरु की फांसी को जुडिशियल किलिंग बताने के लिए, आज जब महिलाओं के साथ गलत हो रहा है
तो वो चुप्पी साधे हुए हैं, और इसलिए आज सवाल आता है इन लोगों से। आप बताइए, तस्लीम नबारी की बारी है। अल्लाह अकबर का नारा लगा के कोई आतंकवादी महिलाओं के साथ बलात्कार करता है तो आप लोग चुप क्यों? ठीक है, तस्लीम नबारी, तस्लीम नबारी, अब आपका वक्त है। तस्लीम रहमानी का वक्त है। और आज मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, हमास अगर वहां बच्चों को मारता है, औरतों के साथ रेप करता है, और जो दुर्दशा हमास ने करी, और हमास अपनी टेरिटरी बचाने के लिए नहीं गया था, वो वहां टेररिज्म फैलाने गया था, वहां वो डराने गया था, तो ये एक जो रीजनिंग दी जा रही है एक तरफ से कि हमास तो अपनी टेरिटरी बचा रहा है, तो जेरूसलम हमास की टेरिटरी तो है नहीं, तो वो उस टेरिटरी के अंदर खौफ करने गया था, यानी इजराइल के अंदर खौफ फैलाने गया था, और उनके बच्चों को मार के, उनके लोगों को मार के क्या करना चाह रहा था, और उस किलिंग को भी जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही है भारत के अंदर, क्यों? देखिए, फिलिस्तीन और इजराइल में जो कुछ हो रहा है वो इंतहाई एक तकलीफ दे वाक़ है, पूरी इंसानियत जो है उससे, वहाँ के तमाम लोग जो बेकसूर लोग हैं उनका कत्लेआम हो रहा है, उसे कोई अप्रूव नहीं कर सकता, लेकिन उस कत्लेआम को लेके, एक इंसानियत सोज वाक़े को लेके हम अपने देश में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को सर्व करने की कोशिश करें और उसको पोलराइज करने की कोशिश करें और ये चाहें कि उसके ज़रिए हम चुनाव जीत लें, तो इससे बड़ी कोई बदकिस्मती की बात नहीं हो सकती कि हम इंसानी लाशों के ऊपर खड़े होकर अपना चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा बदकिस्मत बात है। और आपका इशारा है, क्योंकि इस पर सबसे पहले तो नहीं, आप समझाइए ना, एक सेकंड, क्योंकि सीडब्ल्यूसी ने, आप जो बात कह रहे हैं, आपका वक्त है अभी पड़ा हुआ, क्योंकि सीडब्ल्यूसी ने सबसे पहले इसके ऊपर अपना पैराग्राफ निकाल के दिया, तो आपका इशारा कांग्रेस की तरफ है, कांग्रेस रही थी बगैर चीजों को जाने समझे। प्राइम मिनिस्टर साहब का सबसे पहले प्रधानमंत्री का क्या बयान आया? प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि वी स्टैंड विद इजराइल, ये बयान आया वजीर आजम। तो हमास ने क्या किया? दो दिन के बाद एमईए को, ठीक है, गलत, सवाल का उत्तर नहीं दे रहे, लेट हिम कंप्लीट, इनका राइट है बोलना सर, लेट हिम कंप्लीट, लेट हाजी खान आपकी टर्न नहीं है, लेट हिम कंप्लीट, बोलिए। दो दिन के बाद एमईए को वो स्टेटमेंट करेक्ट करना पड़ा, तो स्टेटमेंट तो आ गया ना कि आपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर दिया, हमको मालूम है आरएसएस और बीजेपी का यहाँ पर क्या स्टैंड रहा है इजराइल के बारे में, इसराइल आरएसएस बनी भी नहीं थी तब से, पहले से ये स्टैंड चला आ रहा है, ये इशू चला आ रहा है, आरएसएस बहुत बाद में बनी है, लेकिन आरएसएस का स्टैंड प्रो इसराइल हमेशा रहा है, वो बात प्राइम मिनिस्टर मतलब कह रहे हैं, प्रधानमंत्री को अधिकार नहीं है इसराइल के विषय में, अधिकार है हाजी खान को है, विवेक श्रीवास्तव को है, और तौकीर रजा, मौलाना तौकीर रजा को भी है, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग को भी अधिकार है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री आपने दो मिनट बोला लगभग, मेजर जनरल के सिन्हा, आप मुझे दो मरतबा तो रोकते रहे, रोका नहीं आपको, मैंने पूरा मौका दिया, मेजर जनरल के सिन्हा, 50 seconds फॉर यू, शार्प रिप्लाई, प्रधानमंत्री को अधिकार नहीं है, बाकी सबको है जी बोलने का, ये भी बोल सकता है, ये भी बोल सकता है, मैं भी बोल सकता हूं, वो भी बोल सकते हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री नहीं बोल सकता जी, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहा है, जवाब, लेट हिम रिप्लाई। देखिए अमरीश जी, जय हिंद, और जय हिंद आपको और यहां पे बैठे सभी को और यहां के पैनलों को, जय हिंद, जय हिंद जी। देखिए, एक प्रधानमंत्री जो चुनकर आया है 1.4 करोड़ जनता का, वो आपका एक हेड है, और जब वो लाइन लेता है 1950 ईस्वी में इज़राइल को भारत ने मान्यता दी, रिकॉग्नाइज किया, आज कह रहे हैं नहीं भारत ने नहीं किया, 92 में उसका एम्बेसी भारत में आ गया, 92 में तो नहीं थे मोदी यहां, आज 3 बड़े हमले हुए हैं आतंकवाद का, ये आतंकवाद का मामला है, जो हमास है फिलिस्तीन नहीं है, जो फिलिस्तीन है हमास नहीं है, इस चीज को समझने की चेष्टा कीजिए, और इसको समझने की पूरे भारत के लोगों को जरूरत है, क्या चीज हुआ है, 3 बड़े हमले हुए हैं आज तक, हमास 1978 में आया है, जी जी 87
87 में आया है, जो गाजा स्ट्रिप है 67 में इसराइल ने इसको कब्जा कर लिया था इजिप्ट से, ना कि फिलिस्तीनियों से, और उसके बाद वहां उनकी पकड़ थी 2005 में, खुद ये जमीन दे दिया कि आइए आप बैठिए फिलिस्तीनियों को। हमास 78 में बनता है और उसके बाद आज उसका क्या कहना है, उसकी आप चार्टर पढ़ेंगे, जिहाद से ईच एंड एवरी इजरायली को, यहूदियों को यही आज कॉल भी दिया उन्होंने, ये उनका चार्टर है। उसको यदि यहां बैठ करके कोई कहता है तो उससे बड़ा मानवता का दुश्मन, और उसने यही किया आज। क्यों मारा उन बच्चों को, क्यों उनके साथ रेप करते हैं? आपने भी बात को 1.5 मिनट लिखा, मैं हाजिक खान के पास जा रहा हूं, फिर गौरव बाड़िया एक सेकंड मैं आपको मौका दूंगा। हाजिक खान आपके पास 50 सेकंड है। हाजिक खान, आज 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 हमास ने बोला टुडे इज द डे ऑफ रेज। होल्ड ऑन, ऑडियो डाउन। व्हाइट हाउस में ये जो लेफ्ट एंड आप लोगों ऐसे लोग इस देश को हाजिक खान मेरा सवाल बड़ा ये है कि हमास ने बोला टुडे इज द डे ऑफ रेज, और टुडे इज द डे ऑफ रेज कि कोई इजरायली, सिर्फ इजरायली नहीं, कोई यहूदी कहीं मिले तो उसको उड़ा दिया जाए, क्योंकि शुक्रवार का दिन है इसलिए उसको उड़ा दिया जाए आज। और चाइना के अंदर इजरायली डिप्लोमेट को चाकू से गोदा गया, क्या आपको लगता है ये इंसानियत की लड़ाई लड़ रहा है हमास? देखिए, किस धर्म के नाम पर, किस मजहब के नाम पर ये खेल कर रहा है वो, और उसका समर्थन करने वाले क्या आपको लगता है नहीं है ज्यादा बड़े दोषी हैं पूरी दुनिया में? देखिए महोदय, बात यह है कि सबसे पहले हम ये कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि फलस्तीन और इसराइल में जो लोग मर रहे हैं वो मानवता का कत्ल हो रहा है, चाहे इसराइली लोग मर गए हों 1.5-2 हज़ार या 2-2.5 हज़ार फलस्तीनी और हमास के लोग मर रहे, ये मानवता का कत्ल है, ये जंग नहीं है। जंग ये होती है कि फौज फौज से लड़ती है और फौज फौज को हरा के उस मुल्क पर कब्जा करती है। लेकिन जब 1948 में इसराइल बना तो खाने के लिए इन यहूदियों पर रोटी नहीं थी, जब उन्होंने जगह दी अपनी जगह अपने इलाके में उन्हें पाला। लेकिन आज वहाँ पर इसराइल और हमास के बीच से जंग चल रही है, ये ना इस्लामिक झगड़ा है या धार्मिक जंग है। मैं एक मिनट बात कह दूं, और हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके पंडित अटल बिहारी वाजपेयी तक हिंदुस्तान के 17 प्रधानमंत्रियों ने फलस्तीन की और हिमायत की है, इसराइल की हिमायत नहीं की। करें फिलिस्तीन की हिमायत करें, लेकिन हमास की हिमायत ना करें। हम ये कह रहे हैं ठीक है सर, एक बात और कह दूं कि वहां पांच बड़े अंबिया अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दाऊद अलैहिस्सलाम के वहाँ तीन मस्जिद अक्सा जो है वहाँ तीन बड़े मजाहिब के लोग पूजा करते हैं, एक मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। तो पूजा करे, किसी ने रोका थोड़ी है। मेरी बात ये है जी, कि वहाँ से शांति होना चाहिए और दुनिया में यूएनए की जिम्मेदारी होती है इसराइल को और हमास को बिठाल के। रिप्लाई व्हाट विवेक श्रीवास्तव सेड एंड व्हाट तस्नीम रहमानी सेड क्विकली। सबसे पहले तो देखिए, जो झूठ बोले उसका हो मुंह काला। नरेंद्र मोदी जी का मैं वक्तव्य जो है ट्वीट लेके आया हूं। नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा? नरेंद्र मोदी जी ने कहा जो आतंकी हमला हुआ है इसराइल पर, जो आतंकी हमला हुआ, क्योंकि हमास जो है वो आतंकवादी संगठन है, तो जो निर्दोष परिवार जो मारे गए हैं उनके साथ भारत खड़ा हुआ है सॉलिडारिटी में। क्या गलत किया? क्या कहे कि आतंकवादी संगठन के साथ खड़ा हुआ? नहीं, भारत हमेशा मानवता के साथ खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। दूसरी बात इन्होंने जो करी, सबने बोला, तीन लोगों ने एक बार भी ये कहा कि हमास की निंदा करते हैं हम, गलत किया उन्होंने, नहीं किया। शांति, बीच में कोई नहीं बोलेगा, ये गलत है। आपको जब कहना है तब आप बोलिए। गौरव, देखिए, हमास की निंदा क्यों नहीं कर पा रहे मालूम है आपको? और भारत की धरती पे एक सवाल,
पूरी ताकत से पूरी जान लगा के उठना चाहिए, वो ये है, कोई चाशनी में डाल के बात नहीं होगी, ये इस्लामिक आतंकवाद है और इस्लामिक आतंकवाद गलत है। मैं ये कहता हूं जो भारत का मुसलमान है वो अब्दुल कलाम से सीख लेता है, अब्दुल हमीद से सीख लेता है, वो राइफलमैन औरंगजेब से सीख लेता है, वो हमास के लिए नहीं खड़ा होगा, ये मेरा विश्वास है। और मैं एक और बात कहता हूं, मेरा समय, मेरे पास दो तीन बिंदु है, मैं बाद में करूंगा जी। आज मैं ये जानना चाहता हूं अमित जी, इसलिए नहीं कि हम लोगों को किसी से डर लगता है, हमारी वीर सेना तो वो है, कोई हमारी तरफ बुरी नजर से देखेगा कुचल डालेगी, यहां सेना जी खड़े हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं पहले भारत देश आता है या पहले धर्म आता है, पूछे इनसे बस जी, जी, मैं ये जानना चाहता हूं। ठीक है, पूछिए और फिर मैं बताऊंगा। आपने सवाल पूछा, इसका 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 जवाब ले रहे हैं, इसका दोनों से लीजिए, इनसे भी लीजिए, ओके, नेक से पूछिए या उनसे पूछिए, आप इससे बोला चाहते हैं, उससे क्यों पूछ रहा है, नहीं बोलेंगे, मैं बता रहा हूँ, देखिए भाइयों, यही दिखाना चाहता था, यही दिखाना चाहता था, एक सेकंड, नहीं बोल पाएंगे वो, अंदर चले जाएंगे गायब हो जाएंगे, उनको बोलने तो देंगे ना, उन्होंने आप पे इशारा करा और हाजी खान की बोला। देखिए मैं इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा नहीं हूँ, ओके, ये इलेक्शन कैंपेन का सवाल है, और ये आरएसएस के लोग, आरएसएस के लोग हमेशा इन्होंने यही कहा है कि मुसलमानों के ऊपर शक पैदा करने के लिए इनसे पूछो पहले भारत देश है या पहले धर्म है, आज की सवाल नहीं है, सभी से सवाल है, नहीं नहीं सबसे नहीं, आपने विवेक से नहीं पूछा, तो उनसे भी लूंगा, विवेक से नहीं पूछा आपने, पहले पहले क्या है, कम्युनिस्ट आदमी हूं मैं, कम्युनिस्ट आदमी हूं, मुझसे धर्म का तो सवाल नहीं पूछना चाहिए, बहरहाल आपने पूछा है, इन्होंने पूछा है, तो जनरलाइज करके मैं बोल देता हूं, चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान हो, उसका मजहब ही उसको देश सेवा के लिए प्रेरित करता है, सब एक ही है भाई, हम तो, मैं तो कम्युनिस्ट हूं, हम तो, मेरे हिसाब से तो धर्म एक अफीम होती है, जिसको आप पॉलिटिकल लाइफ में लाते हैं तो लोग लड़ते हैं, दंगे करते हैं, डेवलपमेंट की बात नहीं करते, धर्म आपका एक व्यक्तिगत, बिंदु है, उसको व्यक्तिगत रहने दीजिए, धर्म को सड़कों पे लाएंगे, पर यहाँ तो धर्म के नाम पर लोग मार रहे हैं, नहीं जो भी धर्म के नाम पे मार रहा हो चाहे हिंदू हो मुसलमान हो इस्लामिक हो गलत है, अब आप जवाब दे दीजिए, क्या जवाब, पहले धर्म या पहले मुल्क, नहीं नहीं मैं इस बहस में कभी गया नहीं, बोल ही नहीं रहे, जाना नहीं चाहते, नहीं बोल पाएंगे, ये कम्युनल क्वेश्चन है, पहले धर्म या पहले मुल्क, मजहब नहीं सिखाता आपस में, बहस नहीं करता, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम कह रहे हैं आपके हमारा, एक मिनट, इस्लाम धर्म ये कहता है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के साथ वफादार रहो और देश के साथ प्यार करो, पहले देश से पहले धर्म, सवाल बड़ा बेसिक है, पहले देश से पहले धर्म, अरे हम कह रहे हैं धर्म ही सिखाता है, हिंदू धर्म भी, सिख भी, ईसाई भी, सारे मजहब, देश ना, देश सब, देश बड़ा, देश पहले, देश बड़ा इस्लामी बता रहा है, देश बड़ा हिंदू धर्म ही बता रहा है, पहले धर्म पहले, देखिए मैं सिख रेजिमेंट का हूं, देश सेवा बर बो ये है, शुभ कर्मन से कभी ना डरो ना टरो, जब आज बनो अति ही रन में जूझ मरो, हम जूझ मरने वाले लोग हैं, आपने कहा मातृभूमि, आप सुनिए, ये नहीं कह पाएंगे, मातृभूमि अपनी माता से भी बड़ी है, उसके बाद आता है धर्म, धर्म क्या है, धर्म क्या चीज है, धर्म तो नहीं सिखाता ना, ये तो कह गया धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, अरे धर्म से पहले देश है, जहां से मट्टी ये पांच तत्वों की बनी हुई है, पृथ्वी इसमें तत्व है, आकाश है इसमें पानी है, जब हम उसके नहीं हुए तो ये धर्मों का क्या, खाके वतन तुझे जब भी आएगी आवाज हमें देना, हर गांव पे रहेंगे, खाके वतन तुझे जब आज भी आएगी आवाज हमें देना, हर गांव पे रहेंगे, व्यूअर्स के पास जाना चाहता हूँ, गौरव भाटिया नहीं नहीं पर विषय पर विषय 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 अंतर हो रहा है, विषय ये नहीं है, ये राजनीति, ये राजनीति करके ये नाशों के एक 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 करके एक एक करके ऑडियंस ओके ओके एक दुनिया के सारे कानून बनाने वाला गौरव आपने क्या बात छेड़ दी, कोई शांति नहीं हो रहा, अच्छा एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक शांत 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 इसराइल पे अटैक हुआ, इसराइल के लोग जो बाहर काम कर रहे थे जी। जो लोग बाहर काम कर रहे थे वो अपने घर पे वापस आ गए, उन्होंने बोला हमें देश के लिए आगे बढ़ना जी। है, हमें देश के लिए कुछ करना है, हम देश के लिए काम करेंगे आकर जी। और वहां पर ऑपोजिशन के नेता सबूत नहीं मांग रहे थे, जैसे हिंदुस्तान में याद है ना, कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल ने सबूत मांगा था कि
क्या उड़ाकर आए हैं भारतीय सेना, उसका सबूत दे। उधर किसी विपक्ष के नेता ने सबूत नहीं मांगा, विपक्ष के नेता मोर्चे पे सेना के साथ खड़े हो गए और कहा जो सरकार कर रही है हमारी वो सही कर रही है, हमारे यहां पे सबूत मांगा जा रहा था, हमारे यहां पर पाकिस्तान के अंदर हम आतंकियों को मार के आए थे, सबूत मांगा जा रहा था। आज ये याद करके शर्म नहीं आती विपक्ष के कुछ नेताओं को? 30 सेकंड और इसलिए मैं कहता हूं इजराइल से राष्ट्रवाद सीखना चाहिए। 30 सेकंड अनइंटरप्टेड चाहूंगा, फिर गौरव उसका उत्तर दे। ओके ओके। पहली चीज 1931 में ज्यूइश क्रॉनिकल में और 1938 के अंदर हरिजन के अंदर मैगजीन्स में महात्मा गांधी ने सीधा कहा था यह जमीन अरबियों की पैलेस्टीनियनों की है और एक काल्पनिक देश की वजह से अगर यहूदी वहां आके रहना चाहते हैं तो लैंड का डिवीजन किस तरीके से हो और यह एनक्रोचमेंट गलत है। सर 1948 में जब इसराइल बना तो भारत ने उसको मान्यता नहीं दी, नेहरू ने उसको मान्यता, और 1950 में ईरान एवं अन्य नॉन अलाइंड जो 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 देशों के का गुट आया, नेहरू को समझाया तब हमने उसको मान्यता दी। इसराइल और पैलेस्टीन का जो नक्शा था जो बांटा गया, फिर उसको आप 1967 में देखिए, फिर 2023 में देखिए, इसराइल ने पैलेस्टीन का लैंड अक्वायर किया है और आज अगर आप नक्शे को गूगल पर जाके चेक करेंगे तो 70% जमीन है पैलेस्टीनियनों की। इसराइल ने अमरीकी दबाव के साथ अमेरिका के फेवर को फेवर में लेकर के ली है, जिसके लिए पैलेस्टीन के नागरिक लड़ रहे हैं, वो उनका राष्ट्रवाद है, वो उनका राष्ट्रवाद है। मैं हमास के वायलेंस को जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं हमास के वायलेंस को जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन ब्लाइंडली इसराइलियों को सपोर्ट देना सिर्फ ये कह के इजराइल के राष्ट्रवाद से सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, सर, सबूत मांगने चाहिए कि नहीं सबूत मांगने चाहिए, पृथ्वी पर स्टालिन के कम्युनिस्टों ने सबूत मांगने चाहिए पृथ्वी पर, सर किसको मार के आए हो, सर सुनिए मांगने चाहिए कि नहीं मांगने चाहिए, इस पृथ्वी पर स्टालिन के कम्युनिस्टों ने हिटलर को मारा, ज्यूज की रक्षा करी, हम कम्युनिस्ट हैं, हम नहीं मानते, लेकिन आज हम पैलेस्टीनियंस के साथ खड़े हैं, होलोकॉस्ट भी नहीं, आज हम पैलेस्टीनियंस के साथ खड़े हैं, उनके साथ इजराइल ज्यादती करता है सबको। ओके गौरव भाटिया, लेट गौरव भाटिया रिप्लाई, गौरव भाटिया क्या इजराइल से राष्ट्रवाद हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज को सीखना चाहिए, हमारे देश के नागरिकों को सीखना चाहिए? सवाल बहुत सीधा है मेरा। मेरा उत्तर भी बिल्कुल सीधा है, भारत वो देश है जिसने विश्व को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है और इजराइल सीखेगा हमसे राष्ट्रवाद। मैं आपको बताता हूं क्यों, ये जो डिबेट हो रही है, इस डिबेट में एक बात समझिएगा अमीश जी, हम लोग ये बात उठा रहे हैं, अगर आपकी मांग ठीक है उसको पाने का तरीका भी ठीक होना चाहिए। हम लोग गुलाम थे, एक स्वतंत्रता पूरा आंदोलन चला, बलात्कार नहीं किए गए, बच्चों के सर नहीं काटे गए, क्यों नहीं हुआ आपको मालूम है? क्योंकि नैतिकता के पैमाने में सबसे मजबूती से कोई खड़ा था तो वो भारत खड़ा था। मांग भी ठीक है, रास्ता भी ठीक है। एक चीज लेकिन मेरा काउंटर क्वेश्चन है, मेरा काउंटर क्वेश्चन है गौरव जी, आपने बोला कि हमें राष्ट्रवाद इजराइल से नहीं सीखना चाहिए, उल्टा इजराइल को भारत से राष्ट्रवाद सीखना चाहिए। क्या सीखे? सबूत मांगते हैं हमारे यहां पर लोग, क्या सीखे? इजराइल के सैनिक वहां किसको मार के आए गाजा पट्टी के अंदर, सबूत दें इजराइल के सैनिक आकर, नेतन्याहू आकर, हमारे देश में एक नेता नहीं कई नेताओं ने सबूत मांगा है, सबूत मांगा है, फॉरेन पॉलिसी कैसे आ गई इसके अंदर, फॉरेन पॉलिसी कैसे आ गई इसके अंदर? गौरव भाटिया रिप्लाई टू माय क्वेश्चन। भारत देश जो है हमारे घर की तरह है, ये हमारा घर है, आप बताइए घर की एक किवाड़ में अगर दीमक आ जाए तो पूरा घर गंदा हो जाता है क्या? उस दीमक को मार दिया जाता है। तो जो सबूत गैंग है, जो ला इल्ला इल्लल्लाह हमारा रिश्ता है आतंकवादियों से, वो आप धर्म विशेष के खिलाफ ना बोलें, ये तरीका ठीक नहीं है सर, आप धर्म विशेष के खिलाफ ना बोलें। अटल बिहारी वाजपेयी जी से, अरे फोन में बड़ी सारी चीजें आती हैं, सब दिखाते रहिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी से वो कह रहे हैं भूमि उनकी है फिलिस्तीनियों की, अटल बिहारी वाजपेयी रिस्पोंड करेंगे, देश के प्रधानमंत्री रहे वो। अच्छा ठीक है, आप 10 सेकंड, कौन सा तरीका है, घबरा गए क्या? घबरा नहीं, दिखा रहे हैं आप, बोला तो एकदम से इन्होंने घबरा के निकाल लिया मोबाइल, ऐसा क्यों है भाई? आपको नहीं बोल रहे आप हाजी खान, हाजी खान आप तस्लीम मेहमानी को बोलने दीजिए, आप सेल्फ कॉल कर रहे हैं लगातार, झूठ बोलते हो हाजी खान, निवेदन मानिए मेरा, आप सुनिए हाजी खान, जो बात मैं कह रहा था, आप हमास के आतंकियों की तुलना चंद्रशेखर आजाद से, आप भगत सिंह जी से करेंगे? अरे भगत सिंह जी पर किसी ने करी तो नहीं, क्यों नहीं करी है?
आप सारी चर्चाएं उठा लीजिए पिछले तीन दिन के, जितने लोग आ रहे हैं फंडामेंटलिस्ट, कुछ आम लोगों ने करी है, वो सारे लोग कह रहे हैं कि ये भी एक स्वतंत्रता का युद्ध चल रहा है। और मैं कहूंगा उनके जूते की नोक के बराबर नहीं है ये लोग जो ये बात उठा रहे हैं। एक बात अभी नहीं, अब 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 हुआ हुआ, गौरव गौरव गौरव, अब अब तस्लीम मेहमानी की बारी है, तस्लीम मेहमानी की बारी है। चुनाव हार रहे हैं, ओके ओके, तस्लीम मेहमानी, मैं आपको मौका दे रहा हूं। उसके बाद वो कह रहे हैं चुनाव हार रहे हैं इसलिए ज्यादा बोल रहे हैं, उसी का हाल बनाना चाह रहे हैं। पिछली बार आए थे दिल्ली चुनाव में ऐसे ही बोल रहे थे, उसके बाद इनकी जमानत जब्त हो गई 149 वोट आए थे भाई साहब, बताइए वोट सबके गिन के रखते हैं आप। बात को मैं गंभीरता से नहीं लेता हूं, ये वही है जो सीए का लोकतंत्र में चुनाव लड़ना भी बड़ी बात है। शाहीन बाग लड़ी नहीं, शाहीन बाग में लड़ने लायक आ जाते थे रोज शाम को, कह रहे थे आंदोलन करेंगे। और व्यूअर्स रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आर पार में ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर के साथ वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं आर पार देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम। हमारे हवा निकल गई, हमारे पे बोल नहीं पाई है, बोलिए। As long as America exists, you will never ever have to. We will always be there by your side. Thank you. Thank President Biden. And thank you to the American people for your incredible support for Israel in our war against the barbarians of Hamas. अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के इजराइल आने से पहले ही अमेरिका का एक विमान हथियारों की खेप लेकर इजराइल पहुंच गया है। इसी बीच अमेरिका ने लड़ाकू विमानों और मिसाइलों से लैस दो युद्धपोत को इजराइल भेज दिया है। हमलावर स्मूह होम से लैस अमेरिका के युद्धपोत अगर किसी जगह बम गिराना शुरू कर दें तो समझिए कि वो इलाका कब्रिस्तान में बदल जाएगा। इसकी ताकत और मिसाइलों की क्षमता बहुत अधिक है। अमेरिका ने अपने दो परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर को इजराइल के पास भूमध्य सागर में भेजा है, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस आइजनहावर। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड के साथ 12 स्ट्राइक ग्रुप होता है, वहीं यूएसएस आइजनहावर के साथ 2 स्ट्राइक ग्रुप होता है जो हमला करने में मास्टर होते हैं। इनके साथ मिसाइलों से लैस और भी कई घातक युद्धपोत भूमध्य सागर में इजराइल के पास पहुंच चुके हैं। इनके साथ मिसाइलों से लैस जहाजों का पूरा बेड़ा चलता है। जिस वक्त हमास के आतंकी इजराइल में कत्लेआम मचा रहे थे, उस वक्त हमास का कमांडर मोहम्मद दाइफ ऑडियो टेप रिकॉर्ड कर रहा था। इजराइल में हुए संहार से जा रही ऐसी सारी जिम्मेदारी, इसकी सारी जिम्मेदारी इस हमास के कमांडर मोहम्मद दाइफ की बताई जा रही है। एक आंख से देखने वाला, दोनों हाथ दोनों पैर से अपाहिज हो चुके इस आतंकी ने ही इसराइल की तबाही की संपूर्ण स्क्रिप्ट तैयार की थी। اخرجوا للساحات والميادين इस एक मिनट 35 सेकंड के ऑडियो क्लिप में इसराइल हमले की रूह कपा देने वाली खूनी कहानी दर्ज है। सिर्फ आवाज, बाकी कोई पहचान नहीं, क्योंकि वो अक्सर वीडियो में नकाबपोश ही नजर आता है या फिर सिर्फ उसकी परछाई ही दिखती है। वो कभी किसी को सार्वजनिक रूप से नहीं दिखा है। वो कभी भी मोबाइल या किसी दूसरे डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करता है। इसी ने इसराइल के खिलाफ हमास के हमले को अल अक्सा स्ट्रॉम नाम दिया। من أجل إنهاء الاحتلال الأخير ونظام الفصل العنصري الأخير في العالم. आतंक का नंगा नाच करने की अपील करने वाली ये ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि ये आवाज मोहम्मद दईफ की है, लेकिन कौन है ये मोहम्मद दईफ
जिसने 50 सालों में इसराइल के खिलाफ इतना बड़ा हमला कर दिया जिसके बारे में इसराइल सोच भी नहीं सकता था। कौन है मोहम्मद दईब जिसे मारने के लिए इसराइल की तेज तर्रार खुफिया एजेंसी मोसाद ने 7 बार कोशिश की लेकिन वो हर बार बच निकला। इसराइल को खून के आंसू रुलाने वाले मोहम्मद दईब के बारे में जो पता चला है वो ये कि इसके दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, एक आंख नष्ट हो चुकी है, सिर्फ एक आंख से ही देख सकता है, व्हीलचेयर पर चलने के लिए मजबूर है। मोहम्मद दईब का कोई वीडियो इंटरनेट पर मौजूद नहीं है, बस मोहम्मद दईब की साजिशों का शिकार हुआ इसराइल की तस्वीरें हैं जो मोहम्मद दईब के विचारों की खूनी गवाही देती है। मोहम्मद दईब की तस्वीरें भी जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो 20 साल पुरानी है, यानी मोहम्मद दईब अभी कैसा दिखता है किसी को खबर नहीं, उसके बारे में गाजा पट्टी के लोगों को भी ज्यादा कुछ नहीं पता। मोहम्मद दईब को दुनिया भर में नया ओसामा बिन लादेन का नाम दिया जा रहा है। गाजा पट्टी में मोहम्मद दईब को लोग गेस के नाम से जानते हैं क्योंकि मौत का दूसरा नाम मोहम्मद दईब एक जगह कहीं ठहरता नहीं। मोहम्मद दईब को 9 जिंदगी पाने वाली बिल्ली भी कहा जाता है क्योंकि कहा जाता है वो इसराइल के 9 बार के हमलों में अब तक बचता रहा है। लेकिन इंटरनेट पर मोहम्मद दईब के बारे में जो जानकारी मौजूद है उसके मुताबिक मोहम्मद दईब हमास के मिलिट्री विंग कसाम का सुप्रीम कमांडर है। मोहम्मद दईब ही इसराइल पर थल और नब यानी पैराग्लाइडर से हमले का मास्टरमाइंड है। इसी आतंकी आका ने इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाने की प्लानिंग की थी। इसी की कमान में हमास के सैकड़ों आतंकवादियों को एक साथ इसराइल भेजा गया। इसी मोहम्मद दईब ने गाजा में बैठे बैठे इसराइल की सड़कों पर कत्लेआम की स्क्रिप्ट लिखी। इस मोहम्मद दईब गाजा पट्टी के 20 लाख लोगों की जिंदगी इसराइल की मिसाइलों की ओर मोड़ दी। अपाहिज आतंकी ने रात के अंधेरे में जो कुछ रचा उसे अब पूरा गाजा पट्टी भुगत रहा है। हमास के मिलिटेंट विंग के मुखिया मोहम्मद दईब ने इसराइल पर अटैक की इतनी बड़ी प्लानिंग की थी इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसराइल फोर्सेस को रिस्पॉन्स करने में 3 घंटे का वक्त लग गया। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को इस हमले के पहले भनक तक नहीं लगी, मतलब एक एक डिटेल को मोहम्मद दईब सीक्रेट रखने में कामयाब रहा। कहा जा रहा है कि यह हमला इतना सुनियोजित और बड़े लेवल पर प्लान किया गया था लेकिन इसकी जानकारी हमास के दूसरे आतंकी कमांडरों तक को नहीं थी जब तक कि उन्हें अटैक का ऑर्डर नहीं मिल गया। जाएगा लेकिन इजराइल ने कहा था कि देखिए एक एक आतंकी को चुन चुन कर मारेंगे। इन सबके बीच में अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। अमेरिका ने दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोत को इजराइल की मदद के लिए भेज दिया, यानी कि इस युद्ध में अब अमेरिका की एंट्री साफ तौर पर और सीधे तौर पर हो चुकी है। सिर्फ एक नहीं, अमेरिका के 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर इसराइल के पास डटे हुए हैं और अमेरिका के युद्धपोत अगर किसी जगह बम गिराना शुरू करेंगे तो समझिए वो इलाका कब्रिस्तान में बदल जाएगा। बलवान, बलशाली, शक्तिशाली, शक्तिमान, जोरावर, इसके आने से हमास में मच गई खलबली। इजराइल की मदद करने आया अमेरिका का महाबली। ग्रीन सिग्नल मिलते ही इस समंदर से आग बरसाएगा, मिसाइलों से
बारूद बरसाकर ये गाजा को दहलाएगा। इसमें लगी मिसाइलें गाजा का सर्वनाश करने की शक्ति रखती हैं। इससे उड़ान भरने वाले लड़ाकू विमान फिलिस्तीन के गाजा को खंडर में बदल सकते हैं। यही वजह है कि इसराइल की मदद करने के लिए अमेरिका ने अपने समंदर के सबसे बड़े जंगबाज को आगे बढ़ा दिया है। इसराइल और हमास के बीच चल रहा युद्ध अगर आगे बढ़ा तो इसमें ईरान, लेबनान और सीरिया के कूदने का खतरा बढ़ जाएगा। ऐसे में इसराइल की मदद के लिए अमेरिका ने जंग में एंट्री कर ली है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान समेत इसराइल के सभी दुश्मनों को बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है। बाइडेन ने वार्निंग दी है कि इसराइल के खिलाफ किसी भी हरकत का करारा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इसराइल पहुंचे हैं। तेल अवीव में ब्लिंकन इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से मिले, उन्हें मदद का भरोसा दोहराया। ब्लिंकन का ये दौरा बहुत बड़ा इशारा करता है, इशारा ये कि अमेरिका खुलकर इसराइल के साथ आ खड़ा हुआ है। You may be strong enough on your own to defend yourself, but as long as America exists, you will never ever have to. We will always be there. By your side. Thank you. Thank President Biden. And thank you to the American people for your incredible support for Israel in our war against the barbarians of Hamas. America ke videsh mantri Welcome back viewers, aap dekh rahe hain आर पार का पब्लिक डिबेट। तस्सीम ने बनी आपके पास वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कहीं और जाके बात करूंगा। आपके पास आ रहा हूं मैं, यहां पर मैं आपके पास आ रहा हूं। चुनाव हारने वाले लोग यहां पर बैठ के और ये क्या बात करेंगे, ये क्या जाने हमास के साथ चुनाव लड़ने वाले जीत जाएंगे लेकिन भारत के बारे में क्या जानते हैं, कैसे लड़ेंगे। अब गौरव गौरव चंद अब क्या मालूम है फिलिस्तीन के बारे में, ये इन्होंने कभी पढ़ा है फिलिस्तीन और इसराइल को? इन्हें इन्हें इसराइलियों के पता है, इनको पूरी तारीख पता है, ये क्या जानते हैं? शांत ये बोल नहीं सकते, इनके पास कोई मैटर नहीं है फिलिस्तीन के बारे में, इसलिए ये इधर उधर बावली की तरह से बावलों की तरह खेले चले जा रहे और चुनाव के लिए निशाना साध रहे। इसलिए नहीं आए हम यहाँ पर टाइम वेस्ट करने के लिए, हमारे पास इसी बोलिए सारी जनता राष्ट्रवादी है तो क्या है, आप इस से जुदा कर देना, हाथ में ले लेंगे तो भी सारी जगह नहीं है। अरे छोड़िए हमास को आतंकवादी संगठन नहीं बोल सकते, इस देश को मिटा देना देश के लिए, हमें बेकार की बात है, नहीं बोल पाएंगे। प्रधानमंत्री से पूछ के आए, प्रधानमंत्री से पूछे अरे हमारे को बोलिए है कि नहीं, बेकार की बात है, चैलेंज कर रहा हूँ प्रधानमंत्री से, हमारे के जुड़वा भाई यहाँ खड़े हुए हैं, हमें सिखाइए है, ये पूछ के आए प्रधानमंत्री से, मैं मान जाऊंगा। प्रधानमंत्री कहे नाम लेके क्या बात आतंकवादी, मैं मान जाऊंगा। क्या बोल रहे चैलेंज कर रहा हूँ, एक बार बोल चुके प्रधानमंत्री, आपको लगता है आपकी क्या राय है? लेकिन आपने बोला कि मैं हमास पे बात करूंगा, मैं पैलेस्टाइन पे बात करूंगा, विषय पे बात करूंगा। आप बताइए इस देश के अंदर तौकीर रजा जैसे नेता हैं या फिर मौलाना हैं, वो जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं क्या आपको, और आप कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से सुनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी तो कहते हैं कि मैंने 9.5 साल में बहुत अच्छा काम किया है, मैं तो दोबारा चुन के आ रहा हूं, तो उनकी बात मानते हैं आप? नहीं ना, ऐसे ही आप हमास के विषय में कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री के मुंह से सुनना चाहता हूं, इस पर आप बोलना नहीं चाहते, ऐसा क्यों? देखिए ये डिप्लोमेसी का इशू है, लोकल पॉलिटिक्स का इशू नहीं है। एक सेकेंड, तो अगर डिप्लोमेसी का इशू है और इसमें कोरे हैं गौरव भाटिया, तो मैं यही कहूंगा कि प्रधानमंत्री ने 3 बार स्टेटमेंट दे दिया 7 तारीख से अब तक, उन्होंने हमास का नाम क्यों नहीं लिया? इसका जवाब तो प्रधानमंत्री बता सकते हैं ना। कल हमारे जो एमईए के स्पोक्स पर्सन है, आप कह रहे हैं कि डबल स्टैंडर्ड है, यहाँ कुछ और है और डिप्लोमेसी में कुछ और है। देखिए
कल एनईए के स्पोक्स पर्सन ने भी जब बात की, उनसे भी ये सवाल किया गया कि क्या हमास को हम ऑफिशियली एक आतंकवादी संस्था घोषित करें। आप क्या मानते हैं हमास तो को? उन्होंने ये कहा कि नहीं, क्या मानते पहले है? पहले जो स्टैंड है भारत का वो तो जान लीजिए। उन्होंने ये कहा कि मैं रेलिवेंट अथॉरिटी नहीं हूँ। रेलिवेंट अथॉरिटी नहीं हूँ। प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट को उन्होंने पूछा गया एमईए के स्पोक्स पर्सन से, उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर का पर्सनल स्टेटमेंट है, मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा। रिप्लाई टू दिस देन ऑडियंस, देन ऑडियंस अपने सवाल तैयार रखिए, आप सवाल तैयार रखिए, मैं आ रहा हूँ आपके अमित जी। जी 40 सेकंड शार्प रिप्लाई। विदेश मंत्रालय को ये बता रहे हैं क्या बोला, आप देख लीजिए, ऑनलाइन है और हमने तो उसको देखा भी है। देखिए बात क्या है, तीन बड़े हमले हुए हैं पूरे हमास आतंकी संगठन है कि नहीं आपके अनुसार? टोटल इसमें कोई शक लगता है? इसके दो कारण बताइए। यूनाइटेड नेशंस ने कह रखा है हम सिग्नेटरी हैं। पहला तो सुने जबरदस्ती झूठ बोल रहे हैं आप। यूनाइटेड स्टेट्स आपको पता नहीं है, सारे खड़े सिग्नेटरी कह रहा है, अमेरिका ने नहीं कहा है, बाकी किसी ने नहीं कहा है, बस सिर्फ मोदी ने नहीं कहा है। रशिया चाइना सब लोग वो कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने कह रखा है हम सिग्नेटरी हैं, इनको नहीं पता, कुछ नहीं पता है। यूनाइटेड नेशंस ने 9 अक्टूबर की अपनी मीटिंग में भी अमेरिका और इसराइल के दबाव के बावजूद उसको आतंकवादी संगठन नहीं कहा। ठीक है गौरव भाटिया, वो कह रहे आतंकी संगठन नहीं कहा। मैं देखिए एक मिनट, देखिए मैं यहाँ पे इनको समझाने के लिए हूँ नहीं, इनको क्योंकि समझ में आएगा नहीं। ये सोते हुए नाटक कर रहे हैं कि मैं सोया हूँ, ये सोए हैं नहीं। प्रधानमंत्री जी का ट्वीट इसीलिए लेके आया हूं, क्या बोला है? शांत होइए पहले, आप बीच में अगर दोबारा बोले अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, बस बोल दिया। अब इसमें क्या, आप चीन जाइए, हक्का नूडल्स खाइए, आप चुप कीजिए, बीच में क्यों? गलत बात है अमीर जी, मेरे बीच में बोले बस, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है, आपको पता नहीं है। सुनिए एक मिनट, पहले सुनिए, आप वो कह रहे हैं यूनाइटेड नेशंस ने करा कि नहीं? यूनाइटेड नेशंस मत बोलवाइए, यूनाइटेड नेशंस चुप रहिए, क्यों चुप रही है? पहले की हिस्ट्री पता ही नहीं है, ना बोला हो तो बोलिए। ठीक है ठीक है, अच्छा ऑडियंस की बात जाता हूं, मैं ऑडियंस की बात जा रहा हूं, सुन लीजिए सर, मैं ऑडियंस की बात जा रहा हूं सर। नहीं अभी मैं अपनी बात पूरी करने जा रहा हूं। पहली चीज अमीश भाई, आपने एक प्रश्न पूछा था कि ऑपोजिशन क्यों प्रश्न पूछता है प्रधानमंत्री से और बीजेपी और सरकार से, सबूत मांगता है, सबूत मांगता है ना? बिल्कुल मांगना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट गवर्नमेंट अमरीका की लाइन को फॉलो करती है, मेरा यह आरोप है। उनके हिसाब से फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करती है, मुझे दिखाना है, कैपिटलिज्म को फॉलो करती है, प्रेशर में आती है, जैसा इसराइल अमेरिका। सबूत मांग रहे चाहिए भारत की सेना से, जो जिसको लगता है, जिसको लगता है वो हाथ खड़ा करे, सबूत मांगना चाहिए, जिसको लगता है नहीं मांगना चाहिए वो अपना हाथ खड़ा करे, नहीं मांगने चाहिए सबूत वो अपना हाथ खड़ा करे। पूछना हर नागरिक का फर्ज है, नहीं मांगने चाहिए सबूत भारतीय सेना से, प्रजातंत्र नहीं होगा। आप हाथ खड़ा करें जो चाहते हैं, आप कहते तो हाथ खड़ा करिए जो बने। देखिए ओवरऑल कम से कम 95% लोग कह रहे हैं कि नहीं मांगने चाहिए सेना से सबूत। वाल साहब का एक लाइन है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, बहुत शानदार बात। ठीक, तो मुझे तो ऐसा आगे देखकर लग रहा है कि मजहब हमें आपस में बैर रखना सिखा रहा है अभी तो। क्या ये आप लोगों के अनुसार सही है या गलत है? ये आपके अनुसार सही है कि गलत है? हमारे हिसाब से तो ये गलत है, मजहब के हिसाब से लड़ना नहीं चाहिए मजहब के नाम पर, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। 80-20 की राजनीति करो, हिंदू मुसलमान वाद करो, वोट को पोलराइज करो और सत्ता में आने की कोशिश करो। आप ये इजराइल में बताएंगे, भाटिया सर से जानना चाहते हैं, भाटिया सर से इजराइल वाले मामले में 80-20 कैसे आ गए? गौरव भाटिया जवाब। अगर धर्म और देश में टकराव आए, विचारधारा का भी, संविधान और धर्म में टकराव आए, हर बार देश पहले होगा, संविधान पहले होगा, यही हमारी सीख है, और तभी हम लोग पंथ निरपेक्ष रह सकते हैं, भाई बहन बन के रह सकते हैं। भारत हमास को आतंकवादी संगठन मानता है, दूसरी ओर फिलिस्तीन की आजादी भी चाहता है, तो क्या भारत दो नाव पे सवारी कर रहा है? उन्होंने बोला क्या देश कंफ्यूज्ड है, हमारा देश की डिप्लोमेसी कंफ्यूज्ड है, ये एक सवाल आया इसका जवाब। देश बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। पहली बात, जैसा सिन्हा जी ने कहा, हमें समझना होगा कि पैलेस्टाइन और हमास एक नहीं है, और मैं इसीलिए नरेंद्र मोदी जी का ये वक्तव्य जो है ये लेके आया। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया कि निर्दोष मारे गए हैं, और आतंकवादी संगठन जिसने मारा है उसकी निंदा करते हैं और निर्दोष लोगों के साथ खड़े हैं। मारा किसने? हमास ने, ये विश्व को पता है। अब इनकी समझ कम है तो अब क्या कर सके? विपक्ष के कई दलों ने फिलिस्तीन का समर्थन किया है, लेकिन कुछ विपक्ष के कई दलों ने कुछ चुप्पी साधे हुए हैं, तो इसकी वजह क्या विधानसभा और लोकसभा के चुनाव है? क्या वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए सब कुछ हो रहा है? फिलिस्तीन के इशू को लेके भारत में जो कुछ हो रहा है ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, जिसमें तो शुरू भी इन्वॉल्व है, तो शुरू तो कांग्रेस ने करा ना फिर कांग्रेस का। लेकिन अब आप देखिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स का नतीजा क्या है। मध्य प्रदेश की एक बड़ी खबर है, भारत जोड़ो यात्रा
का पोस्टर दिखाया और जेल में चले गए। आपने बोला भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर दिखाया और जेल में चले गए, ये सऊदी अरब में हुआ है। एक जनाब कांग्रेस के नेता है, ब्लॉक प्रमुख है, रजा कादरी, वो मक्का में कांग्रेस का पोस्टर लगाकर खड़े हुए थे, उनको पकड़ लिया गया। उन्हें उनको असल में फरवरी में आना था लेकिन वो अक्टूबर में आए हैं, 8 महीने वहां जेल में रहे हैं वो भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर दिखाने के चक्कर में, वो भी वोट बैंक के चक्कर में घूम रहे थे। उनको लग रहा था वहां मैं पोस्टर दिखा दूंगा, यहां मुझे टिकट मिल जाएगी और कांग्रेस खुश हो जाएगी और मैं जीत जाऊंगा, लेकिन जनाब पहुंच गए सीधा जेल के अंदर, वो पीछे उनकी तस्वीर चल रही है, ये सच्चाई है। और हालांकि वो डिनाई कर रहे हैं कि उनको कोड़े नहीं पड़े हैं, लेकिन प्रावधान सऊदी अरब में कोड़े पड़ने का भी है और सोशल मीडिया पे वायरल है कि उनको 80 से 90 कोड़े भी पड़े हैं इसके बाद। तो ये हालात हुए हैं, ये हालात हुए हैं। तो वोट बैंक की आपने जो बात करी, तो वोट बैंक के हालात तो ये है। गौरव भाटी, इस वोट बैंक की पॉलिटिक्स पे आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, अबे भारत तो था नहीं, आप मंदिर में कुछ दिखा के आ जाओगे आपको कोई कुछ पकड़ेगा नहीं, वो सऊदी था, पकड़ के जेल में भी डाला। और जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, मुझे नहीं पता कितना सही है गलत है, वो तो डिनाई कर रहे हैं, कोड़े भी पड़ गए हैं उनको साथ में। गौरव भाटिया, देखिए ऐसा है, जो कांग्रेस तो सावधानी बरती है आगे से कोई ना करे ऐसा कर्म। कांग्रेस बिना सोचे समझे हर गड्ढे में कूद जाती है, हर डिबेट में आती है। अमित जी आज गायब है, आपको मालूम है क्यों? क्योंकि वोट बैंक ना खिसक जाए मेरा, इसलिए डिबेट ही पे ना हो। और ये उनका रेजोल्यूशन है, कहीं भी हमास की निंदा नहीं करी और कहीं भी ये नहीं कहा है कि जो निर्दोष लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं उनके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है, इनको ये लगता है जो भारत का मुसलमान है, जो अपने वतन से प्यार करता है, वो ऐसी कट्टर सोच के साथ खड़ा होगा। और मैं दावे से कहता हूं, यहां का मुसलमान भी कांग्रेस को लात मारेगा या तुष्टीकरण जो पार्टी करती है। क्यों लग रहा है इंडिया गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को क्यों लग रहा है खड़ा नहीं होगा? हमास के समर्थन से, हमास के समर्थन से या फिर पैलेस्टाइन के इनडायरेक्टली समर्थन से, उनकी निर्ममता के समर्थन से उनको फायदा मिल जाएगा देश के अंदर। कोई भी निर्ममता आतंकवाद के साथ नहीं है, INDIA का कोई भी घटक दल साथ में नहीं है, लेकिन पैलेस्टीन के साथ हैं, उनके कॉस के साथ हैं। ओपन एयर तो आज की डेट में हमास क्या कर रहा है पैलेस्टीनियन, आप इसराइल की निंदा करिए। देखिए ये दिखाना चाहते हैं बीजेपी वाले चुनाव के पहले 80-20 के चक्कर में कि देखो भाई ये हमास वाले मुसलमान हैं, देखो बीजेपी ने बोला ना इस देश में भी यही होगा, बीजेपी ने बोला ही नहीं होगा, हिंदू एकत्रित हो। सुनिए, न्यूज 18 देश का सबसे प्रतिष्ठित चैनल है, खबर इन्होंने दिखाई, वीडियो इन्होंने दिखाया, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, लाशों के साथ जो व्यवहार किया गया, ये यहाँ खड़े होकर कह रहे हैं। ये देखिए, अब अमीर जी, और मैं कह रहा हूँ सही है लेकिन गलत है, बस बताइए। आपने बोला नेशनल मीडिया भी गलत है, इंटरनेशनल मीडिया भी गलत है, आपका ये फोन ठीक है। वार प्रोपेगेंडा है, फेक न्यूज की जो चेकर है ना, फेक न्यूज चेकर बता रहे हैं, जो दुनिया में जिनको अवार्ड मिला है, चाहे वो किसी कौन, कौन? मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैंने बोला नाम बताइए, आपने बोला मैं नाम नहीं बताऊंगा, उन्हें छुपा के तो रखना चाहते हैं आप। देखिए ये सब कुछ हो रहा है इजराइल और हमस के बीच में, हमारे देश के कुछ नेताओं को, कुछ बुद्धिजीवी वर्गों को लग रहा है कि देखिए हमास के समर्थन में अगर खड़े होंगे तो एक बड़ा मैसेज चला जाएगा। आखिरकार वो हमास के समर्थन में क्यों है? ये वही लोग हैं जो भारत की सेना से सबूत मांगते हैं, ये वही लोग हैं जो भारत की सेना को कटघरे में खड़ा करते हैं, ये वही लोग हैं जो भारत की तरक्की पे सवाल उठाते हैं, ये वही लोग हैं जो भारत को ऊपर बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। मेरा निवेदन है, राष्ट्रवाद की लौ आपको जला के रखनी पड़ेगी, क्योंकि राष्ट्र है तो आप है, राष्ट्र है तो मैं हूं, राष्ट्र है तो हम सब हैं। राष्ट्रवाद क्यों जरूरी है और उस राष्ट्रवाद में सनातन का क्या एंगल है, यह भी समझ लेना चाहिए। और व्यूअर्स, अब आर पार में वक्त है सत्य और तथ्य का। दुनिया भर में आजकल उथल पुथल बची हुई है, ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुनिया पर छाए संकट के बादलों की छाया को हटाने के लिए एक शानदार उपाय बताया है, आप भी सुनिए। विश्व शांति की गारंटी केवल सनातन धर्म हो सकता है और भारत हो सकता है, बाकी कोई और नहीं हो सकता। योगी आदित्यनाथ ने क्यों विश्व शांति के लिए सनातन को समाधान बताया, अब यह भी समझ लीजिए। पूरी दुनिया इस वक्त डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट युद्ध की आग में झुलस रही है। रूस और यूक्रेन करीब 1.5 साल से जंग लड़ रहे हैं, इसराइल और हमास के बीच
लड़ाई चल रही है, इसे आप फिलिस्तीन और इजराइल वॉर भी कह सकते हैं। चाइना और ताइवान में तनाव किसी से छिपा नहीं है। उत्तर और दक्षिण कोरिया, चीन और जापान, अमेरिका और रूस, हर जगह तनाव ही तनाव है। लेकिन अगर ध्यान से देखा और समझा जाए तो आप पाएंगे कि भारत ही इकलौता देश है जो तमाम चुनौतियों के बावजूद, जहां पे आतंकवाद भी एक बड़ी चुनौती है, लगातार तरक्की कर रहा है। दुनिया में भारत जितना डाइवर्स कोई दूसरा मुल्क आपको नहीं मिलेगा। भारत एक ऐसा अकेला देश है जहां हर 100-200 किलोमीटर पर भाषा, संस्कृति, खाना और लिहाजा बदल जाता है और जिस पर हमें गर्व है। लेकिन यह देश अनंत काल से आबाद है और हमेशा ऐसा ही रहेगा, यहां पे कितने भी आक्रांताएं। और इसकी वजह समझने के लिए हमें अपने इतिहास को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। भारत सनातन की भूमि है। हम प्रकृति के सभी एलिमेंट्स को सोर्स ऑफ एनर्जी मानकर पूजते हैं। सनातनियों का पूर्ण विश्वास है कि हर जीवित चीज में ईश्वर का वास है, हमारे लिए अतिथि देवता है, और हम किसी को भोजन कराना और पानी पिलाना पुण्य कर्म मानते हैं। सनातन धर्म का मूल मंत्र है वर्ल्ड इज वन फैमिली, यानी वासुदेव कुटुंबकम, यानी सनातनियों की डिक्शनरी में अनैतिक विस्तारवाद कहीं भी नहीं है, यानी तलवार के दम पर अपना खौफ पैदा करना ये है ही नहीं। दुनिया में नजर घुमाकर देखिए, कहीं ताकत की लड़ाई है, कहीं अधिकार की लड़ाई है, तो कहीं धर्म के नाम पर गले काटे जा रहे हैं, बम फोड़े जा रहे हैं। दूसरी ओर सनातन संस्कार इंसान को इंसान समझने की प्रेरणा देता है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में वासुदेव श्री कृष्ण गीता के उपदेश में कहते हैं कि अच्छा बुरा, लाभ और हानि कुछ भी इंसान के वश में नहीं है। तो सीख यह है कि अगर इंसान के वश में कुछ ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो फिर लड़ाई और झगड़ा किस बात का है, क्यों है? यानी योगी आदित्यनाथ की बात का सीधा तात्पर्य है कि लड़ाई का मकसद नहीं होगा तो शांति की गारंटी होगी व्यूअर्स। और सनातन संस्कारों की तरह अगर दुनिया का हर व्यक्ति लालच छोड़कर दूसरे की भलाई के लिए कार्य करेगा तो दुनिया में शांति आना निश्चित है। कोरोना काल को याद करिए, भारत के सनातन संस्कारों का प्रभाव पूरी दुनिया ने देखा, प्रभाव देखा। उस दौर में हमने ना सिर्फ अपने लोगों की जान बचाई बल्कि कई देशों को वैक्सीन और दवाओं के साथ मदद करी। ये हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार ही तो थे, और ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि यही हमारे संस्कार हैं। हम तो सबकी शांति की कामना करते हैं, हम कहते हैं ओम शांति अंतरिक्ष, ओम शांति पृथ्वी, ओम शांति सर्व शांति, शांति 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 ओम। हम तो ये कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि सनातन शांति का संदेश है। व्यूअर्स, आज जो मैंने आपके साथ बात साझा करी, ये इस तनाव के माहौल में आपको जरूर